ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सवाल दरअसल यही है कि आखिर जिस तरीके से दो धड़े बढ़ते हुए कांग्रेस में नजर आ रहे हैं, सवाल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे है मेरा, कि जिस तरीके से अशोक तंवर के इस शुरुआत जो हुई है आज, उस शुरुआत में अगर हम देखें तो प्रदेश के कई बड़े नेता और साथ साथ कुछ दिल्ली से भी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, ऐसे में सवाल क्या आपको नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़े अलग थलग से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी किसी एक को आधिपत्य नहीं दिया गया हरियाणा में, कुछ और लोगों को भी खड़ा किया गया ताकि कोई 10 जनपद को आंखें ना दिखा सके, क्या आपको भी आप भी यही मानते हैं कि इसी वजह से अशोक तंवर को थोड़ा सा और सपोर्ट मिल रहा है दिल्ली से ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल को 10 जनपद को सीधे तौर पर आंखें ना दिखा सके? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो ना केवल हरियाणा के बल्कि पूरे देश के किसान कम्युनिटी के। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बड़ा कद है कि 7 महीने के अंदर हरियाणा के लोग उनको याद करने लगे, उनके कामों को याद करने लगे। हरियाणा के लोग याद कर रहे होंगे, आपके पार्टी के लोग याद नहीं कर रहे हैं उनको, पूर्व मुख्यमंत्री को आप ही के पार्टी के लोग याद नहीं कर रहे, आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उनको याद नहीं कर रहे हुड्डा साहब, हमारे पार्टी के लोग भी याद कर रहे हैं। आप आप 31 तारीख को देखना, रिकॉर्ड हाजिरी होगी हरियाणा के अंदर, एक रिकॉर्ड होगा। एक छोटे से बातों को यहाँ रख रहे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, उससे भी लग रहा है कि कांग्रेस में दो धड़ा है और आप पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में बातें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि 31 तारीख को देखिएगा रिकॉर्ड लोग आएंगे, यानी कि फिर से रामलीला की वही तस्वीर कि गुलाबी पगड़ी में ज्यादा लोग होंगे या तिरंगे टोपी में ज्यादा लोग होंगे, वही चीज हरियाणा में भी पेश करने की कोशिश हो रही है। तो इसे धड़ेबाजी गुटबाजी ना कहें तो और क्या कहें? नहीं नहीं, ना गुलाबी, ना गुलाबी पगड़ी होगी, ना तिरंगा तिरंगी टोपी होगी जी, वहां केवल सरकार के खिलाफ मौजूदा खट्टर। ठीक है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, एक सीधा सा जवाब आप ये दे दीजिए, सरकार के खिलाफ आप कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े कद के नेता हैं, हरियाणा के अंदर ऐसा संदेश जाएगा कि इस सरकार को। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए कि आप लोग जिस तरीके से बटे हुए हैं, अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़े, आपको नहीं लगता प्रदेश सरकार को बीजेपी की सरकार से फायदा होगा? जो हमारे प्रभारी हैं, आपकी शक्तियां बढ़ गई हैं? नहीं, हम इससे बीजेपी सरकार की तो नींद खुली हुई है, सरकार घबराई हुई है, सरकार के जो नेता है घबरा के बयान दे रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता ये घबराहट में ये इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से लोगों का मन उखड़ गया है बीजेपी से और वापस कांग्रेस की ओर आ रहे हैं दिन पे दिन, और कांग्रेस ने 7 महीने के अंदर रिकॉर्ड टाइम है, वरना 2 साल तक सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन ये पहली सरकार है 49 साल में हरियाणा के इतिहास में जो 7 महीने में बदनाम हो चुकी है। आज हर वर्ग इससे नफरत कर रहा है, आज किसान की हालत खस्ता है, आज मजदूर की हालत खस्ता है, आज व्यापारियों का काम खत्म हो गया है, आज व्यापारी दुखी है सरकार से। तो आज तमाम सारे वर्ग कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है जी, जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपके पास दोबारा लौटूंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि आपको याद है कई सर्वे करवाए गए हैं पूरे देश में, उन सर्वे में इस बात का तो जिक्र है कि जो ग्राफ 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त था या फिर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान था बीजेपी का, उस ग्राफ में गिरावट जरूर आई है, थोड़ी सी सही लेकिन गिरावट आई है, देखने को मिली है। आपको नहीं लगता कि एक चक्रव्यूह की रचना कांग्रेस यहां पर कर रही है जिसमें अकेले बीजेपी को उतरना है, दरवाजे कई हो सकते हैं, उनको तोड़कर शायद आप निकल ना पाए, फंस के रह जाएंगे, इसलिए अपने घर को इस वक्त संभालने की जरूरत है और अभिमन्यु के साथ साथ अर्जुन को भी भेजना होगा अगर इस तिलिस्म को, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो? देखिए साकेत जी, ना कोई अभिमन्यु है ना कोई अर्जुन है, यहाँ तो ये कांग्रेस के लोग छटपटा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर ही इनको जो कुर्सी का सत्ता का वो जो पुराना लोभ है, कुर्सी की जो इनकी सत्ता की जो पावर की वो आदत है उसको लेकर के छटपटा रहे हैं। आज जिस प्रकार से हुड्डा जी और तंवर साहब और किरण चौधरी अलग अलग चल करके अलग अलग
साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस बनी हुई है, किस प्रकार से कांग्रेस रूपी, कांग्रेस की ये जो लाश है, कांग्रेस रूपी लाश, उसको ढोने के लिए तीन तीन लोग जो हैं अलग अलग लेकर के अपने काफिले चल रहे हैं, वो यात्राएं निकाल रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि जिस जितना बुरा हाल, जो जितनी आज कांग्रेस जमीन के ऊपर आई है, आज से पहले शायद कभी ना आई हो। कांग्रेस भी वन मैन आर्मी बनकर रह जाएगी क्या? आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस का असली रूप, यहां पर जनरल साहब बहुत ज्यादा का असली रूप अब सामने आने लगा है फौज के लिए, कि उनको लेकर के चलने वाले बहुत सारे हैं, वन मैन आर्मी नहीं है ये बीजेपी की तरह जी। उनका जिन जो जिनको जिनको कमांडर बनाया हुआ है, उनको ये कह रहे हैं कि वो तो कमजोर आदमी है, हुड्डा जी मजबूत आदमी है। जब कमांडर ही कमजोर है तो पीछे की फौज जो है उसका क्या हाल होगा? मैं समझता हूं कि आज शतरंज की जिस चाल प्रकार में कभी कभी शतरंज अशोक तंवर जी के साथ कोई एक विधायक नजर नहीं आया, एक प्यादा कभी कभी रानी को मात दे देता है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ना, अध्यक्ष के साथ एक भी विधायक वहां नजर नहीं आया। क्या हालात है कांग्रेस की के विधायक एक तरफ बटे हुए हैं, पार्टी एक तरफ बटी हुई है, और जो हमारी ज्ञानचंद गुप्ता जी तीसरी तरफ खड़ी हैं। चंद गुप्ता जी उनको छोड़िए, आप ये बताइए कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ चारों तरफ से हल्ला बोल रही है कांग्रेस, उससे निपटने के लिए क्या आप तैयार हैं? नहीं, वो हल्ला का वो पार्टी के या सरकार के खिलाफ हल्ला नहीं बोल रही, वो तो अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। उनको आज ये नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से ये हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, पहली बार है किसानों के आज पूरे 60 साल की हिस्ट्री के अंदर कि 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा किसी सरकार ने एक प्रदेश के अंदर दिया हुआ, और वो भी फसल आने के एक बात में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने, और मैं माफी के साथ इस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ, एक उदाहरण मुझे पेश करना है। कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग के सामने अगर कभी खतरा आता है तो वो रेत में या फिर कहीं और अपने सिर को छुपा लेता है, और ये वो सोचता है कि खतरा टल गया। माफी चाहूंगा, इस तरह के एक उदाहरण को आपके सामने रखना पड़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी की तरह तो एक्ट नहीं कर रही तो कि वो खतरे को देखना ही नहीं चाह रही, अपने सिर को छुपा ले रही है, और ये कह दे रही है कि ये कांग्रेस का अपना ही अंदरूनी कला है जो निकल सामने आ रहा है। हम सिर छुपा के नहीं खड़े, हम तो सिर उठा करके खड़े हैं, हम जनता के बीच में खड़े हैं। नहीं, आप तो खतरे को देखना ही नहीं चाह रहे, आप तो ये देखना ही नहीं चाह रहे कि कांग्रेस हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश कर रही है। किसी से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार अमित जी आपके पास हम चलते हैं। वो तो अपने बोल के नीचे अपने आप को अगर हम इस तरीके से देखें कि क्या कांग्रेस हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके के लोगों के बीच जाना, क्योंकि अभी 4 साल का वक्त बचा हुआ है अगले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के आला नेता पहुंच रहे हैं लोगों के पास, बीजेपी को इससे सतर्क रहने की जरूरत होगी फ्यूचर में। अमित नेहरा जी, साकेत जी, जिस प्रकार से 6 महीने के अंदर ही कांग्रेस अलग अलग दिशा के अंदर नजर आ रही है। ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास हम लौटेंगे, ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास मैं लौटूंगा। अमित नेहरा जी से एक सवाल है मेरा। अमित जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि भाजपा को इस संकट को समझने की जरूरत है, ना कि सिर्फ इसको कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का नाम देना, क्योंकि अगर कांग्रेस इसी तरीके से लोगों के पास पहुंचती रही और लोगों का जनाधार या विश्वास दोबारा से हासिल करने की कोशिश जिस तरीके से वो कर रही है मिलता गया, तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अमित नेहरा जी, देखिए साकेत जी, 7 महीने हो गए बीजेपी को सत्तारूढ़ हुए। हम केंद्र सरकार को तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा रंग में दिखने लगी है, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार मुझे नहीं लगता कि ग्रास रूट पे कुछ ऐसी छाप छोड़ पाई है। हाँ, जो किसानों को मुआवजा दिया, निश्चित रूप से वो काफ़ी ज़्यादा मुआवजा दिया है, 1192 करोड़ जो है, 1092 करोड़ लगभग 1100 करोड़ रुपये, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, वो मुआवजा दिया तो उसका भी जो संदेश गया वो बड़ा गलत संदेश गया। कृषि मंत्री ने पहले कुछ बयान दिया, फिर अगले दिन और भी शर्मनाक बयान दिया कि अब तो नाचो गाओ भंगड़ा पाओ, इस तरह की बात, जो पहले ही किसान कमजोर थे, मारे हुए थे, और उनको नाचने गाने की, उनको ये नहीं पता था कि अगर इनकी फसल ठीक होती तो इनको कितना ज़्यादा और फायदा होता। तो ये बात जो थी ये नेगेटिव में गई है। दूसरी बात, अगर देखें, बार बार आप अभिमन्यु का नाम पुकार रहे थे, अभिमन्यु की ही लें, बीजेपी की अभिमन्यु की, तो सुनने में आया था कि होली के आसपास हरियाणा की नई औद्योगिक नीति आने वाली है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक महीना और आगे तारीख चल गई इसकी, पहली बार है जो 15 मई के आसपास आ जाएगी अभी तक। ठीक है अमित जी, चूंकि वक्त भी कम है और हमें अब महावीर जैन जी का विरोध करना होगा। महावीर जैन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस अलग अलग बट कर बीजेपी से ये लड़ाई लड़ेगी तो क्या आपको नहीं लगता ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ थोड़ी कमजोर होगी और इसका फायदा शायद सूबे की सरकार को भी होगा? नहीं, पूरी तरह नहीं कह सकते। अलग अलग लड़के का अगर इसको बीजेपी फायदा हो सकता है, देखो हर दोनों इसके दो पहलू हैं जी। अलग अलग कॉर्नर में जो कांग्रेस लड़ेगी उसका ये नहीं कह सकते कोई बीजेपी को, वो ठीक है अभी कमजोर कांग्रेस के अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़े तो जो पार्टी वर्कर है उसको एक अच्छा संदेश जाता है। अगर अलग अलग लड़ाई लड़ते जो पार्टी वर्कर है उसका मनोबल गिरता है। नेताओं की लड़ाई होती रहती है लेकिन जो पार्टी का वर्कर है, एक कोर ग्रुप कहा जाता है, उसका मनोबल गिरेगा। लेकिन हम इसको अगर पूरी तरह कह रहे हैं भी अलग अलग कॉर्नर से अगर निकाल रहे हैं तो उससे अगर कोई इसको बीजेपी को बेनिफिट मिल जाएगा या दूसरी पार्टियों को, ऐसा नहीं है। कि दूसरा इसका पहलू ये भी है कि पार्टी का जो कांग्रेस का मैसेज है वो हर कॉर्नर में पहुँच भी रहा है लेकिन मनोबल जरूर गिर रहा है। लेकिन अगर एकजुट होकर एक मैसेज आता है तो उससे कागज एक और ऊपर कराती पार्टी और प्रदेश में एकजुट होकर कारण कार्यकर्ताओं को और बुलंद होता। एक तो सत्ता पक्ष से दूर है विपक्ष के, पहली बारी जो बीजेपी प्रदेश में आई है वो बहुत बड़ा, एक 50 साल की हिस्ट्री में एक तो कांग्रेस मोरली उससे बहुत डाउन हुई है जी। अब अलग अलग ग्रुप में भी इनकी अगर लड़ाई रही तो उससे कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह निराश होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, पार्टी को एकजुट इस समय होने की बहुत जरूरत है। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, आपसे एक सवाल है मेरा जो मैं पहले ही शायद पूछना चाह रही थी, मौका नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब बहुत बड़े कद के नेता हैं, ठीक है सब इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आज अशोक तंवर की रैली में जहां पे शकील अहमद भी मौजूद थे, सह प्रभारी भी मौजूद थी, हुड्डा साहब क्यों नहीं मौजूद थे? देखिए हुड्डा साहब का ऑलरेडी प्रोग्राम है 31 तारीख को, वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं उनका अपना प्रोग्राम है, वो अशोक तंवर जी के कार्यक्रम में नहीं आए। एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री गए थे हरियाणा के मनोहरलाल खट्टर जी, महज 30-35 आदमी थे और आज देखना के 31 तारीख को 30-35 हजार आदमी होंगे, एक रिकॉर्ड टूटेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक तंवर जी की पदयात्रा से ज्यादा जो बातें कर रहे हैं ये घबरा के बातें कर रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं वो घबरा के बातें कर रहे हैं। मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट, उनकी सरकार का सीन बदल जाएगा, चर्चा नहीं है टोटल इनका जो है इनका। कृष्णमूर्ति जी आप टू दी पॉइंट जवाब दीजिए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अशोक तंवर जी की पदयात्रा से ज्यादा लोग जो है उमड़ेंगे हुड्डा जी की यात्रा में? क्योंकि कांग्रेस, हाँ कांग्रेस, कांग्रेस को जब जब एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां आएंगे, देखना यात्रा नहीं है यात्रा से भी ज्यादा हमारी जनसभा है, लोगों से संवाद है, लोगों से बात करने के लिए हम वहां आ रहे हैं। यानी आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि अशोक तंवर जी की यात्रा से भी ज्यादा लोग घूमेंगे वहां? कोई हमारी पदयात्रा नहीं है, नहीं नहीं मैं कहता हूँ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां गए थे, महज 35 आदमी थे पूरे गांव में कंडेला में, और जब हुड्डा साहब जाएंगे तो 35 हजार आदमी होंगे वहाँ। आप देखना एक रिकॉर्ड टूटेगा और ये सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। ये सरकार घबरा रही है हमारे प्रोग्राम से, जब से हमने घोषणा की 31 तारीख की ये बीजेपी की सरकार घबराई हुई है। चलिए और ये घबरा के इस प्रकार की बयानबाजी के साथ रोक रहा हूँ कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब आपको और बाकी सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। सवाल यही है कि पदयात्रा की मंजिल आखिर क्या होगी, क्या इस पदयात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को वाकई घेरने में कामयाब हो पाएंगे कांग्रेस के तमाम लीडरान, या फिर ये एक वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।